हाय एवरीवन पुणि थे आपण स्वागत करुच्ची माइजब्रे ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन द्वारा ड्रग इन्स्पेक्टर ग्रुप बी पदवी में निजुक्ति जार वीडियो मुझे अपलोड करी मोर वीडियो तले डिस्क्रिप्शन में जाई तार लिंक रे क्लिक कर देखिपारे कि मोर चैनल लोगो रे क्लिक कर वीडियो रे आपण चेक करें तार संपूर्ण इलिजिबिलिटी संपूर्ण नोटिफिकेशन से वीडियो रे मुझे डिस्कशन करी आपण मैंने देखिपारे और आज आम वीडियो रे देखा आपण मैंने केमी एनल आवेदन करेंगे जहाँकि आपन को नोटिफिकेशन टी देखे यार ऑनलाइन आवेदन 15/9/2022 आज ठारु यार ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो यार लास्ट डेट हूँ 14/10/2022 अक्टोबर 14 हूँ यार लास्ट डेट ता आगर आपको आवेदन करने पड़ो सर्टे मुझे तार निजुक्ति कतेटी आउ थे आपको मन पकईदे जी आपको जाना ना जेनेल 27 8 जन महिला मान रही एसीबीसी गोटे रही शेड्यूल कास्ट पर 7 दुईज महिला रही शेड्यूल ट्राइब 12 महिला रही टोटाल 47 निजुक्ति 13 जन महिला प्रार्थी रे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट रही दुईटी जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 एक्स सर्विसमैन 2 स्पोर्ट पर्सन गोटे तो वैकेंसी डिटेल्स आपण मैंने जान लें तेज आम ऑनलाइन आवेदन करवा ऑफिशियल वेबसाइट एवं ऑनलाइन अप्लाई रो लिंक वेबसाइट रो लिंक आपन वीडियो तले डिस्क्रिप्शन में पाइबे ता सहित नोटिफिकेशन रो भी लिंक पाइबे मु तो डिस्कशन करी सारछि तबे आमे आवेदन करिबा ता अगुरु मु आपन को जणै देबा पई चाहू छी जे अगुरु ओमास रो जो आवेदन करथिले बहुत फ्रेंड्स मान को कमेंट थिला कहारो लॉगिन हो नै कहारो ओटीपी आसो नै कहारो सर्टिफिकेट अपलोड हो नै कहारो नाम भूली जाइ छी डेट ऑफ बर्थ भूली जाइ छी चेंज करबा पई ताती एमिति बहुत किछि प्रॉब्लम सेमानकर कमेंट अच्छी तेणु मुझे कहबी भिडटी को आप स्किप नक शेष पर्यटन देखु चैनल सब्सक्राइब करें चैनल सब्सक्राइब करूँ भिडटी को लाइक करूँ प्रत्येक स्टेप आप ध्यान भाव में देखते जहाँफल आपको आवेदन करार कौन असुविधा हे ना मुझे कहबी जो मान आवेदन करार असुविधा होने आपणकर जो पीसी रे गूगल क्रोम टी अपडेट करनी जदि भी तापर भी आपंकर प्रोब्लेम आसूसी आप मेल आई डी जब ओटीपी आसूना तेल स्पाम आप चेक करें स्पाम भी ओटीपी आपको मिल जाठी भी जदि पा ना बारंबार ओटीपी आसूना जदि आप मोबाइल नंबर द्वारा ट्राए कर यूजर नाम आप मोबाइल नंबर देवे तो मोबाइल नंबर में ओटीपी आसवा दरकार जदि न आस मेल आई डी ट्राए करूँ मेल आई डी भी जदि न आसूल आप गोटे काम करेंगे पेटी को रिफ्रेश करी ट्राए करेंगे तापर भी जदि न होती किसी समय पर छाड़ दिंतु कि पर दिन चेष्टा करूँ कहीं बारंबार आपको चेष्टा कर यूजर नेम दे बारंबार हो न रिजेक्ट होपर आकाउंट किसी समय पर ब्लॉक हो संभावना रही तेनाली ध्यान देवे आप जो सर्टिफिकेट अपलोड करी जेकोसी प्रोसेस प्रोब्लेम हो पेज टे कम कर रिफ्रेस करे पुणि थे आपको रिटाइप करेंगे हे तो आपण प्रॉब्लम सॉल्व हो समस्त को तो मुझ कमेंट मध्यम आंसर दे पार ना तथा जी जन पारे मुझे आंसर देडियो मध्यम मुझे विषय में जनईदी तेज आसतु आम लॉगिन करवा जो मैंने रजिस्ट्रेशन करना नुआ भाव से मोर पूर्व वीडियो देखिपारे कमी रजिस्ट्रेशन करेंगे ताकि वीडियो संपूर्ण अपलोड कर सारी नुआ भाव रजिस्ट्रेशन करने से भिडियो टू देखी निटा कि ओपीसी ओमास अप्लाई समय आपको देखी आज केवल आम आवेदन करवा जोटा कि ड्रग्स इन्स्पेक्टर पदवीपाई ग्रुप बी पदवीपाई तेज आम एटी यूजर नेम एवं पासवर्ड जदि आप यूजर नेम पासवर्ड अच्छी यूजर नेम देवे पासवर्ड देवे जो मानक रजिस्ट्रेशन हो सारी से मूँपर आम कौन करवा लॉगिन यूजिंग ओटीपी करवा लॉगिन यूज पासवर्ड जब पासवर्ड मन अच्छे पासवर्ड देवे मुझे ओटीपी द्वारा करुच्ची ओटीपी सिलेक्ट कर देखु फोन नंबर किंवा ईमेल आईडी जेकोसी गोटे देवे तापर एटी कैप्चा देवे एवं जेनेट ओटीपी एटी क्लिक करेंगे जेनेट ओटीपी क्लिक कलापर आपको ओटीपी टी आसो एवं तार समय लिमिट रहा 2 मिनिट भर आपको ओटीपी एंटर करेंगे तेज आसतु मुझे ईमेल आईडी दे दूसरे देखते ये लॉगिन ओटीपी रे ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एंड फोन नंबर तो मुझे ईमेल देखिए तो ईमेल रे ही मुझे चेक करी देखो मोर ओटीपी आसी जाइए मुझे टाइप करके लॉगिन करके देखे दूसरी बहुत फ्रेंड्स को कहवा कथा कि ओटीपी आसूना
आपण मैंने देखिले मोर सांगे सांग ओटीपी आसला मुझे लॉगिन भी करदेली। लॉगिन कर सारापर यह आपणकर जो अकाउंट टी खोली थी ये आपंकर अकाउंट ना रहा आपणकर होम आपणकर प्रोफाइल रहा एवं एप्लीकेशन सेक्शन रहा आपन किसी जिनस बुझापी पड़ो जो मैंने आगुरी एप्लाय कर सारी कहीं ये ओपीएससी जो वेबसाइट टी रही संपूर्ण अपडेट हो तार जो फंक्शन संपूर्ण अलग हो तेणु आपण मन को असुविधा हो पाए। एप्लीकेशन सेक्शन में आप देखिए दुईटी ऑप्शन मिलो अप्लाई सेक्शन माय एप्लीकेशन अप्लाई सेक्शन में आपण अप्लाई करें माय एप्लीकेशन में आगुरी जहाँ अप्लाई कर तेरे आम माय एप्लीकेशन में देखा नो रेकर्ड आसूरी कौन सी अप्लाई देखा ना तापर अप्लाई सेक्शन में जी जा अप्लाई सेक्शन रही माई एप्लीकेशन रही माई एप्लीकेशन आपड़ जब सबमिट कर माई एप्लीकेशन में शो कर जब आप एप्लीकेशन सबमिट करना तेल शो करना अप्लाई सेक्शन में क्लिक कलापर यह तीनो अनगोईंग अप्लाई आपन को देखा जोटा कि म्यूनिसिपालिटी तापर एडीपी ग्रुप बी ड्रग इन्स्पेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रुप बी एवं ड्रग इन्स्पेक्टर ग्रुप बी तो आम एप्लाई करवा आगर मुझको आपण जो किसी प्रॉब्लम थी ता सॉल्व करने चाहिए तो आपन कौन करेंगे आपण जो पूर्व जो रजिस्टर करते आपण जो डिटेल्स थी से सब विषय आम चेक करवा आपण मानक भूल अच्छी अपलोड कर प्रॉब्लम थी तेल आम पुणी थे प्रोफाइल जाए चेक कर जो निजुक्ति आपन को आवेदन करने प्रथम आपन को प्रोफाइल क्रिएट करने पड़ो तेणु तथा मुझे देखेदे देखो ये अप्लाई रे आम क्लिक करवा क्लिक कलापर आप प्लीज कंप्लीट योर प्रोफाइल फास्ट तो ये क्लीयरली लिखा हो प्रथम प्रोफाइल क्रिएट करने पड़ो आ गोटे प्रोब्लेम आपंकि सल्व करने चाहिए मुझे बहुत फ्रेंड्स प्रोब्लेम थी कि मोर मोबाइल नंबर में तो ओटीपी आसुनी मेल आईडी भी ओटीपी आसुनी तो मुझे आउ गए सजेसन देवी आपड़ी चेंज करेंगे आप लॉगिन कर सारापर आपण मोबाइल नंबर चेंज करने चाहते मेल आईडी चेंज करने चाहती तो प्रोफाइल देखो माय प्रोफाइल व्यू प्रोफाइल माय रिक्वेस्ट तो माय रिक्वेस्ट क्लिक करवा देखो रिक्वेस्ट चेंज रिक्वेस्ट रही जो थे आपशन मिल मोबाइल नंबर चेंज करेंगे डेट ऑफ बर्थ चेंज करेंगे ईमेल आईडी फादर्स नेम जेंडर नेम फुल नेम ये समस्त आप सिलेक्शन करेंगे आप कौरे भूल अच्छी तापर आपण व्यू रिक्वेस्ट डाटा ये जापर आपको सिलेक्ट करके सेव करेंगे तेल आप चेंज करेंगे तो आम आवेदन करवा प्रथम प्रोफाइल क्रिएट जो भाया प्रोसेस अच्छे आम देखा तो माई प्रोफाइल व्यू प्रोफाइल व्यू प्रोफाइल देखते क्लिक करेंगे किसी बाहर ना माई प्रोफाइल क्लिक करवा माई प्रोफाइल क्लिक कले प्लीज कंप्लीट प्रोफाइल बिफोर व्यूइंग एप्लीकेशन तेल आम प्रथम प्रोफाइल क्रिएट करवा प्रोफाइल क्रिएट करने प्रथम पर्सनल डिटेल्स पर्सनल डिटेल्स आपण प्लीज सिलेक्ट आइडेंटिटी जो थे आप आधार कार्ड वोटर कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस कि पासपोर्ट सिलेक्शन करें आम आधार कार्ड सिलेक्ट करदे ये आधार कार्ड लोकेशन रही आम आधार कार्ड देवा आइडेंटिटी प्रूफ जो प्रथम स्टेप थी आइडेंटिटी प्रूफ आपंकर पर्सनल डिटेल्स पर्सनल डिटेल्स क्लिक करेंगे तो ये आपन नेशनलिटी इंडियन सिलेक्ट जेंडर मेल कि फीमेल सिलेक्ट करदे आपको फुल नेम इन इंग्लिश टेन्थ एच एस सी और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपण नाम जो मेट्रिकुलेसन सर्टिफिकेट तर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट रे जो नाम अच्छी लिखे तापर नेक्स्ट रही फादर्स नेम एज पर एच एस सी और इक्विवेलेंट टेन्थ सर्टिफिकेट कि एबव क्वालिफिकेशन जो आपंकर बापा नाम रही आप नाम लिखे जोटा कि मेट्रिकुलेसन सर्टिफिकेट थोड़ा आप मेल आई डी तो अलरेडी थी मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ तो आप रजिस्ट्रेशन टाइम दे सारी आप बयस अलरेडी आसीज तापर मेरीटियाल स्टाटस मोबाइल नंबर मेल आई डी तो देखे तापर आप मेरीटियाल स्टाटस रही थी मेरीटियाल स्टाटस आप मेरीड कि अनमेरीड करदे तापर आप जो मैरिज कर नंबर ऑफ स्पाउस टाइप करेंगे रिलीजन आपणकर रिलीजन सिलेक्ट करेंगे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मार्क आपनर गोटे बॉडी जेकोसी गोटे चिन्ह थी आप लिखे तपर आप रिजर्वेशन क्लेम रिजर्वेशन क्लेम सिलेक्ट करेंगे
ଆପଣ ଜେନେରାଲ ଅଛନ୍ତି କି ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ରିଜର୍ଭ କାଟେଗୋରି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଆସିବ, ସବ୍କାଷ୍ଟ ଲେଖିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଯେଉଁ କେସ୍ ନମ୍ବର ଅଛି କେସ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିବେ, ଏବଂ କେଉଁ ବର୍ଷରୁ ତାହା ଲେଖିବେ, ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଇସ୍ୟୁ କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ରୁ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ତହସିଲ ତାହା ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଇସ୍ୟୁଇଂ ଅଥରିଟି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତହସିଲଦାର ଯେଉଁ ତହସିଲ ଥିବ ତାହା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଏଠି। ତାପରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଇସ୍ୟୁ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାମ୍ପ ରହିଛି ସେଠି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଥିବ, ସେଇ ଡେଟ୍ଟିକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଡେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତିନୋଟି ଯାକ ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ରିଜର୍ଭେସନ୍ କ୍ଲେମ୍ଡ ହେଲା। ତାପରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଡ଼ି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବେ, ତାପରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍। ଯଦି ଦୁଇଟି ଯାକ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେମ୍ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ତଳରେ ଭିଲେଜ୍ର ନାଁ ଲେଖିପାରିବେ, ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ର ନାଁ ଲେଖିବେ, ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ର ନାଁ ଲେଖିବେ, ଭିଲେଜ୍ ସିଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଟି ଅଛି ସିଟି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ତଳକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ଯାହା ଅଛି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ତାପରେ ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ଆପଣ ଲେଖିଲେ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆଇ ଡ଼ି ପ୍ରୁଫ୍ରେ ଯାହା ଦେଇଥିବେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯାହା ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି କି ଭୋଟର୍, ତାହା ହିଁ ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ରଖିବେ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଯାକ ଯଦି ଆଡ୍ରେସ୍ ସେମ୍ ଅଛି ଆପଣ ଏଇ ତଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକ୍ ମାର୍କ କରିଦେବେ। ଟିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଇଯିବ, ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଏ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିଟି ଡିଟେଲ୍ସ ଠିକ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେଭ୍ ଏବଂ ସେଭ୍ ଏଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ୍ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସେଭ୍ କରିବେ, ସେଭ୍ କଲାବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆସିବ, ତାକୁ ଓକେ କରିଦେବେ। ଓକେ କଲାପରେ ପର୍ସନାଲି ଡିଟେଲ୍ସ ସେଭ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଆସିବ, ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ସେଭ୍ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ପୁଣି ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବେ ତଳକୁ, ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଇନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍, ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ଗ୍ରୀନ୍ ହୋଇଗଲା, ଓକେ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଅଦର୍ ଡିଟେଲ୍ସ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଅଦର୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଅଦର୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଏକ୍ ସର୍ଭିସମେନ୍, ଯଦି ଏକ୍ ସର୍ଭିସମେନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୟେସ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ନୋ କରିବେ। ତାପରେ ଆର୍ ୟୁ ଏ ସ୍ପୋର୍ଟ ପର୍ସନ୍, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ପୋର୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୟେସ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ନୋ କରିବେ। ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିନ୍ସ ଫର୍ ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଡିସେବିଲିଟି, ଯଦି ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅଛି ତାହେଲେ ୟେସ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ନୋ କରିବେ। ତାପରେ ଆର୍ ୟୁ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି, ଆପଣ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୟେସ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ନୋ କରିବେ। ତାପରେ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନି ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ ଆର୍ ୱାର୍କିଂ ଅନ୍ ଦି ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍, ଓପିଏସ୍ସିରେ ଆପଣଙ୍କର କେହି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି କି, ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛନ୍ତି କି, ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ୟେସ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ନୋ କରିବେ। ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଏଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ୟେସ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ରହିଛି ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଟୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଲ୍ ୟୁ ଏ କ୍ୟାନ୍ ପରଫର୍ମ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପରଫର୍ମ ଅଛି କ'ଣ, ସିଲେକ୍ଟ କର, ତିନୋଟି ଯାକ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଓଡ଼ିଆ ସ୍ପିକ୍ ଓଡ଼ିଆ, ରିଡ୍ ଓଡ଼ିଆ, ରାଇଟ୍ ଓଡ଼ିଆ, ଓକେ, ତିନୋଟି ଯାକ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ, କାହିଁକି ତିନୋଟି ଯାକ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଫଲୋଇଂ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଲିଜିବିଲିଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଏଜ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍, ତ ଏଇଠି ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହିଯାଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ତାଙ୍କର ପାସ୍ଡ ମିଡ଼ିଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ୱିଥ୍ ଓଡ଼ିଆ ଏଜ୍ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ତାହା ତ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତା ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ଅର୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ୱିଥ୍ ଓଡ଼ିଆ ଏଜ୍ ଏ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଇଜ୍ ନନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ। ତାପରେ ରହିଛି ପାସ୍ଡ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଇନ୍ ଦି ଫାଇନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାସ୍ V3A। ତାପରେ ପାସେଡ଼୍ ଏ ଟେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବାଇ ଦି ସ୍କୁଲ୍ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍। ଏଠି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ପାସେଡ଼୍ ମିଡ଼ିଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ୱିଥ୍ ଓଡ଼ିଆ ଏଜ୍ ପର୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ଏ ଅପସନ୍ଟି ଆପଣ ଚଏସ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ହାଭ୍ ୟୁ ବିନ୍ ଡେଭରେଡ଼୍ ଫ୍ରମ୍ ଆପାରିଂ ଦି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଏନି କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ବୋର୍ଡ଼, ଏଥିରେ ନୋ କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଆଗରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତ। ତାପରେ ସମସ୍ତ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇକରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ ସେଭ୍, ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ସେଭ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଏଭଳିଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆସିବ ଭେରିଫାଇ ପାଇଁ, ଓକେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଦର୍ ଡିଟେଲ୍ସ ସେଭ୍ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦର୍ ଡିଟେଲ୍ସ ବି ଗ୍ରୀନ୍ ହୋଇଗଲା।
तापर नेक्स्ट होइछि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ने क्लिक करिबा जोथिरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन न रिकॉर्ड रहिछि एडेड क्वालिफिकेशन एटी आपनकर ऑप्शन रहिछि एडेड क्वालिफिकेशन एड करिवे एटी एड करिवे क्वालिफिकेशन आपण माने जो नोटिफिकेशन तो जानिथिबे को क्वालिफिकेशन दरकार से अनुसार आपण एठी क्वालिफिकेशन एड करिवे। तो प्रथमे आपण 10th रु आरंभ करिवे काहेकि स्टेप बाय स्टेप समस्त आपनकु क्वालिफिकेशन डिटेल देवाई पड़ो तेज 10th रे 10th एच एस सी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे 10th एच एस सी तापर स्टेट आपंकर जो स्टेट 10th पास करते से स्टेट सिलेक्ट करेंगे आप बोर्ड बाय यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रिजल्ट स्टेटस पासेड की अपेयरिंग जहाँ अच्छी सिलेक्ट करेंगे ग्रेडिंग सिस्टम मार्क थिला किबा सीजीपीए किबा ग्रेड मार्क बेसिक रे अछन तो मार्क सिलेक्ट करिवे एवं आपनकर मार्क केते रखिछंती ता एठी आपन लिखिवे तबरे एठी आपन टोटल मार्क लिखिवे परसेंटेज आपनकर ऑटोमेटिक आसीबे तबरे आपनकर को वर्ष पास करितले ता लिखिवे तबरे एठी सर्टिफिकेट नंबर तो सर्टिफिकेट नंबर जो रहिछ एठी देखुछंती सर्टिफिकेट नंबर बहुत फ्रेंड्स कर कन्फ्यूज थाय जदि सर्टिफिकेट आपनकर नाही ताले ऊपर जो सीरियल नंबर देती सीरियल नंबर तो आप लिखिपारे जो सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट नंबर अच्छी ताखे जदि ना तो आप सीरियल नंबर लिखिपर ये देखते लिखाई क्रियल एंटर सर्टिफिकेट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर और एसआई नंबर ताले आम सीरियल नंबर देदे रजिस्ट्रेशन नंबर भी देपारे सबुपट ऑप्शन अच्छी तापर अटेम टू टेकन पास केते थरे आप अटेम करके पास कर सिलेक्ट करेंगे मुझे फास्ट सिलेक्ट कली तो पासिंग डिविजन आपंकर फास्ट सेकेंड थर्ड अच्छे आप सिलेक्ट करेंगे आप हिसाब से तपर ये देखो कैनसल आउ सेव तो सेव्रे क्लिक करेंगे क्लिक है तो आप ऑलरेडी ये गोटे क्वालिफिकेशन एड हो देखते 10th तापर से प्लस टू रे एड करेंगे प्लस थ्री रड करेंगे तो मुझे थोड़े आउ थ क्वालिफिकेशन देखे दूसरी ए कौन क्वालिफिकेशन अच्छी ये देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये अच्छी ए कैंडिडेट मस्ट पोसेड डिग्री इन फार्मासी फार्मास्यूटिकल साइंस डॉक्टर ऑफ फार्मासी फार्मडी और डॉक्टर ऑफ मेडिसिन विथ स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्मोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी ये समस्त सर्टिफिकेट आप देखुं क्वालिफिकेशन जहाँ कही पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फार्मासी फार्मास्यूटिकल साइंस एम फार्म पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मेडिसिन एमडी विथ स्पेशलाइज इन क्लिनिकल डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पीएचडी इन फार्मा ये समस्त क्वालिफिकेशन तो जो क्वालिफिकेशन रही आपन को एड करने पड़े एपं कौन करने एड न्यू क्वालिफिकेशन अच्छी एड न्यू रे क्लिक करेंगे आप 10th पर आप प्लस टू सिलेक्ट करेंगे आप क्वालिफिकेशन देखते अच्छे बैचलर डिग्री पीजी डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएशन एम फिल पीएचडी समस्त रही जी पीजी डिग्री डिप्लोमा कर पीजी डिप्लोमा सिलेक्ट करेंगे आप एडवांस डिप्लोमा कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ता सिलेक्ट करेंगे तापर आप सब्जेक्ट आगक ऑप्शन आसीज आपन को कौन सी असुविधा हेना तापर आप कौन करेंगे देखो जदि मझे किसी प्रोब्लेम हम आप रिफ्रेश रे क्लिक करदे पुणी आउ थे आपंकर आसीज सबकि डिटेल तपर एजुकेशनल डिटेल जो कहल आपठी एड करेंगे जर्नल एंट्रीज डू यू हाव एन जर्नल पब्लिकेशन एडेड क्रोनोकोलोजी ऑर्डर ये कि न लिखे तप रही अवार्ड एंट्रीज डू यू हाव एनी एकेडमिक्स अवार्ड ताले ये करेंगे जदि किसी अवार्ड मिली ये करेंगे ना न करेंगे तापर आप समस्त नेक्स्ट आसो नेक्स्ट करेंगे तापर नेक्स्ट आसो आप वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स आपंकर डू यू हाव एनी एक्सपीरियंस इन प्राइवेट गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यदि एक्सपीरियंस ये करेंगे ना न करेंगे तापर एटी नेक्स्ट रही नेक्स्ट रे क्लिक करेंगे आपणकर अपलोड डॉक्यूमेंट्स वर्क एक्सपीरियंस अपलोड डॉक्यूमेंट्स अपलोड डॉक्यूमेंट्स रे कौन हम कहीं मोर तो सेमती क्वालिफिकेशन ना कि मोर सर्टिफिकेट ना जो मुझे आपको संपूर्ण देखे पारि मुझे आपको कहीदेज अपलोड डॉक्यूमेंट्स से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी डिटेल देते से सबू डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़े आप जेपीजी फॉर्मेट रे करेंगे आप पीडीएफ रे भी करेंगे अपलोड कर सारे तापर आपणकर जो एप्लीकेशन सबमिट सेक्शन आसो सेठी आपण
सबमिशन करेंगे। सबमिशन कर सारापर आप अप्लाई सेक्शन रही माई एप्लीकेशन, माई एप्लीकेशन ने क्लिक करेंगे। ये देखिए आपन को आपन जो एप्लीकेशन सबमिट हो एप्लीकेशन नंबर, एग्जामिनेशन नेम, स्टेटस, व्यू एप्लीकेशन, कैंसिल एप्लीकेशन समस्त डिटेल ये आपंकर सिक्वेन्स वाइज रही। तापर आपण आपणकर एप्लीकेशन टी प्रिंट आउट काढ़ी ने फ्यूचर पर्पज आपको लगी पारे। तो फ्रेंड्स आपको देखिले नुआ भाव में केमी लॉगिन कर आपण आवेदन करें। तो फ्रेंड्स ये ड्रग्स इन्स्पेक्टर केमी ऑनलाइन आवेदन करेंगे, जो मैंने रजिस्ट्रेशन कर सारी से कमी आवेदन करेंगे ता मुझे देख ली। आपण मानक वीडियो भल लगे तो भल लगी लाइक शेयर करदे, चैनल सब्सक्राइब करें चैनल सब्सक्राइब करने। धन्यवाद।